वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाकवि कालिदासा निबंध संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में हम इस निबंध को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अवश्य देखना। ये निबंध कक्षा 9वीं और 10वीं में 10 नंबर में पूछा जाता है। 10 नंबर में निबंध पूछा जाता है। साथ ही आपको बता देते हैं, आपको 10 पॉइंट लिखना है। देखिए, जो निबंध लिखा जाता है वो कई तरीके से लिखा जाता है। यदि आप चाहें तो इनका पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो पॉइंट बनाकर भी नहीं लिखना चाहे तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सरल करने के लिए हमने इसका क्या कर दिया, पॉइंट बना दिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इस कारण से हमने इसके पॉइंट बनाए। तो जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर लेना। यदि आप पॉइंट बनाना चाहें तो पॉइंट बना लेना, और यदि नहीं चाहें तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमने आपको सरल अच्छे से याद करवाने के लिए इसके पॉइंट बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस निबंध को। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषाया। देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषाया, या के पीछे दो बिंदी है, विसर्ग लगा हुआ है, थोड़ा यहाँ पर कट चुका है तो आप बिंदी लगा लें। संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतमा कवि अस्ति। देखिए अच्छे से पढ़ लें एक बार और आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई सा शब्द ऐसा है कि जो आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो कम से कम मैं उसको दो बार पढ़ दूंगा तो आपको अच्छे से वो सुनाई देगा, तो आप अच्छे से आप भी उसको बोल सकेंगे। एक बार वो पढ़ देता हूँ मैं, और यदि आपको बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः, कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि है। अर्थ समझ में आया आपको? जो कवि कुल शिरोमणि है, कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं, इसका अर्थ है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सः नाटककारः काव्य प्रणेता गीति काव्यकर्ता च आसीत्। वे नाटककार, काव्य प्रणेता, काव्य के प्रणेता, प्रेरणा देने वाले, वो गीति काव्यकर्ता है, थे। वे क्या 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 उन्होंने किया है, नाटककार, नाटक को रचने वाले, काव्य प्रणेता, काव्य को लिखने के लिए प्रेरणा देने वाले, और गीति काव्यकर्ता थे। क्या क्या करने वाले थे, वो नाटक के रचयिता और काव्य में जो काव्य लिखा जाता है उसके प्रणेता थे और गीति काव्यकर्ता हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तस्य प्रमुखा ग्रंथः सन्ति यथा। उनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो ऐसे हैं, जैसे ये हैं। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे वो ये हैं, देखते हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। आगे देखिए, त्रिनाटकानि, तीन उन्होंने नाटक लिखे हैं, त्रिनाटकानि, मालविका अग्नि मित्रम, मालविका अग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, विक्रम मोर वसियम, विक्रम मोर वसियम, ठीक है, विक्रम मोर वसियम है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम चा। एक बार और, त्रिनाटकानि, तीन नाटक कौन कौन से, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम मोर वसियम, अभिज्ञान शाकुंतलम चा। तो उन्होंने जो तीन नाटक लिखे हैं वो हैं कौन कौन से, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम मोर वंशियम और अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके तीन नाटक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, महाकाव्य द्वयम, दोनों ने महाकाव्य लिखे हैं, कौन कौन से, रघुवंशम, कुमार संभवम च। उन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं, कितने लिखे हैं, दो महाकाव्य द्वयम,
महाकाव्य द्वयम, दो महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। और आगे देखिए गीति काव्य द्वयम, उन्होंने दो गीति काव्य भी लिखे हैं। कितने गीति काव्य लिखे हैं? दो, दो गीति काव्य उन्होंने लिखे हैं। कौन कौन से? मेघदूतम ऋतुसंहारम चा, मेघदूत और ऋतुसंहारम उन्होंने गीति काव्य लिखे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है कालिदासस्य लोकप्रियतया कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य लोकप्रियतया कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास के लोकप्रिय होने के कारण तस्य उनकी प्रसाद गुण युक्त ललित शैली है। जो कालिदास है वो लोकप्रिय होने के कारण उनकी जो शैली हो कैसी है? प्रसाद गुण युक्त ललित शैली है। अगला पॉइंट देखिए, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अति रम्य अस्ति। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास की जो प्रकृति चित्रण में अतीव रम्य अस्ति, जो कालिदास हैं वो प्रकृति चित्रण करने में अतीव बहुत रमणीय है। अगला देखिए, चरित्र चित्रणे कालिदासा अतीव पटु अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदासा अतीव पटु अस्ति। तो किसी का भी चरित्र चित्रण करने में जो कालिदास है वो बहुत ही सिद्ध हैं। चलिए अगला, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अगला पॉइंट देखिए, कालिदासस्य साहित्य काव्य सौंदर्य रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास सस्य साहित्य काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। तो इसका अर्थ जानिए, कालिदास के साहित्य में काव्य सौंदर्य और रस निरूपण सर्वत्र दिखता है। कालिदास का जो साहित्य है उसमें काव्य सौंदर्य और रस निरूपण सर्वत्र दिखाई देता है। तो साथियों, ये हमारा कालिदास का निबंध था जो 10 नंबर में पूछा जाता है। सभी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी में अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अच्छे से निबंध को याद कर लें और अच्छे मार्क्स ला सकें। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।